गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि हम दो क्लासेस में पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, आज हम लोग हर एक टेंसेस के रूल को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहला रूल है एक्टिव एंड पैसिव। फर्स्ट रूल ये है कि अगर एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस पूछी जाए, तब आप पैसिव कन्वर्ट करते समय इज एम आर प्लस एज यूजुअल वर्ब की थर्ड। तो इसको हम आज एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि ये है सिंगुलर, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो ए लेटर जो कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है, राम और लेटर दोनों ही सिंगुलर है, इसी वजह से हम यहाँ पे इस यूज करेंगे। इस राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो यहाँ आ जाएगा रिटन बाय एज यूजुअल सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा बाय राम। राम का आर इसीलिए कैपिटल है कि ये रूल होता है कि कभी किसी का नाम लिखे तो पहले लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर। अब हम आएंगे प्लूरल पे। प्लूरल प्लूरल एग्जांपल कैसे समझेंगे, जैसे कि आई टीच देम। अब ये जो देम है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जिधर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये एज यूजुअल हमारा वर्ब है। अब इसको कन्वर्ट करते समय दे का हो जाता है देम का हो जाता है सॉरी दे दे। अब दे प्लूरल है तो हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो है दे आर। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। टॉट मैंने पहले भी बताया था बाय का इस्तेमाल करना है वर्ब और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा उसको जोड़ देंगे। तो बाय आई लिख रहे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। तो आई टीच देम ये प्लूरल है, इसको हमने कन्वर्ट किया दे आर और बाय मी। अगर आता है तो इसे लिख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो हम कन्वर्ट करते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दूसरा है वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस अगर हमने प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया तो एज यूजुअल सिंपल पास्ट में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। इसमें लगता है डी या टी डी, ठीक है। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा वॉज वर और एज यूजुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज का मतलब होता है सिंगुलर, जिसे हिंदी में था भी कहा जाता है, यह होता है प्लूरल, जिसे हिंदी में थे कहा जाता है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे। पहला एग्जाम्पल हम सिंगुलर करेंगे, हरी टॉट हिम।
कन्वर्ट आपको ऐसे किस पता है कि आपको ये वाली चीज, ये वाली चीज यहाँ लानी है, ये वाली चीज यहाँ लानी है, तो थिंग का क्या हो जाएगा? अब हमें वॉस वर्ब में यूज करना, अब ही सिंगुलर है तो सिंगुलर कौन सा रखते हुआ है? वॉस, ही वॉस। अब टॉट सेकेंड टॉट हम सेम होता है, इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे टॉट बाय हरी। यहाँ पे हरी एक ही इंसान है, इसी वजह से हम सिंगुलर कह रहे हैं, और यहाँ पे भी ही भी सिंगुलर है, हरी भी सिंगुलर है, तो ये होल टोटल एक सिंगुलर एग्जाम्पल हो। अब हम करेंगे प्लूरलिज्म। प्लूरल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रेखा डॉट देम, या फिर रेखा डॉट अस। अब रेखा तो सिंगुलर है बट अस जो है वो प्लूरल है, तो हम अस का क्या करेंगे? आप जैसे मैंने आपको बताया था, अस जब सब्जेक्ट बनेगा तो बन जाएगा वी, वी प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो गया? वर्ब, वर्ब टॉट, जो कि सेकंड टॉट फॉर्म सेम होती है, टॉट बाय रेखा। जब ये कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसमें होता है कन्फर्म और नॉट कन्फर्म। तो विल जो होता है वो होता है नॉट कन्फर्म। कोई काम हम 50-50% सोच रहे हैं कि मे बी नॉट हम काम करेंगे नहीं करेंगे, तो हम विल यूज कर सकते हैं। और शैल होता है कन्फर्म, शैल होता है कन्फर्म, और शैल सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है। शैल हमेशा कंफर्म में आएगा और विल हमारा नॉट कंफर्म आएगा। शैल भी आई और वी के साथ कंपल्सरी यूज होता है, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल है जैसे कंफर्म नॉट कंफर्म वाला, राम विल टीच हिम, ठीक है। राम हमारा एज यूजुअल सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट करते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, तो ही हिम का क्या हो जाता है? ही। विल आया, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है? विल, तो विल के साथ क्या लगेगा? विल बी। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, टॉट बाय राम, टॉट बाय राम, ये हमारा कन्फर्म नॉट कन्फर्म में होता है। राम विल टीच हिम, हो सकता है राम पढ़ाए, हो सकता नहीं भी पढ़ाए। ही विल बी टॉट बाय राम, मे बी नॉट दैट ही विल टीच बाय राम, सॉरी टॉट बाय राम, ठीक है। अब हम कन्फर्म वाले I shall, I shall write a letter. I shall write a letter. अब इसको कन्वर्ट करना है। ये आई का सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, और ये टोटल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ए लेटर्स, अब यहाँ पर लेटर
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सब, तो आई के साथ शर्त आ, लेकिन जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ आई अभी कुछ नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे यूज करेंगे विल। शैल हमेशा आई वी के अलावा किसी से आता नहीं है, तो यहाँ आई था इसलिए शैल यूज किया, लेकिन कन्वर्ट करते समय ए लेटर्स आ गया तो हम विल का प्रयोग करेंगे। ए लेटर विल बी रोट बाय मी, सॉरी ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, थर्ड फॉर्म इज रिटन बाय मी। आई का मी हो गया, ए लेटर एज यूजुअल हो गया, और शैल आई के साथ था लेकिन कन्वर्ट करते समय आई या वी दोनों में से कुछ नहीं है, ए लेटर्स है तो हमने विल यूज किया, विल बी रिटन बाय मी। प्लीज नोट डाउन कर ले। फोर्थ टेंस एग्जांपल है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है इज एंड आर फर्स्ट फॉर्म कॉम बेस फॉर्म एस फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आई एन जी फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। जब ये कन्वर्ट होगा तो इज ए बार तो अपनी जगह रहेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा बी लगभग की थर्ड फॉर्म। पहले एग्जाम्पल पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बी यूज क्यों करते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा आई के साथ यूज होता है और ये हमारा प्लूरल है। तो पहला हम सिंगुलर एग्जांपल पढ़ेंगे। ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो राइटिंग में आई एन जी लग गया, इज आ गया, तो दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की साइन है। कन्वर्ट करेंगे, ही सिंगुलर है, लेटर में सिंगुलर है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे आप? ए लेटर, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज कॉमेंट बताना मेरे को। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब हम प्लूरल वाला एग्जांपल समझेंगे। प्लूरल वाला एग्जांपल भी इजी है, लाइक वी आर टीचिंग द क्लास, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, द क्लास, अब यहाँ पे आर यूज हो गया लेकिन यहाँ पे आर यूज नहीं होगा क्योंकि क्लास एक ही होती है। द क्लास इज बी टॉट बाय अस, टॉट बाय अस। अब आप बोलेंगे आई से भी एक एग्जांपल है, तो आई से क्या हो सकता है, आई एम रीडिंग अ लेटर, ठीक है। तो आई के साथ आ गया, तो अब यहाँ पे तो आई यूज हो नहीं सकता क्योंकि लेटर आएगा, तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इसे नोट डाउन कर ले, एंड दैट्स फॉर टुडे, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।